1.1 जब लॉन्च हुआ था ना दोस्तों, वो लॉन्च हुआ था 28,000 रुपीज़ के प्राइस रेंज के आसपास, और अब इसकी जो प्राइसिंग है ना वो कम होकर के आ चुकी है 15,000 रुपीज़ के अराउंड। और अभी तक का इस रेंज के अंदर सैमसंग की तरफ से सैमसंग गैलेक्सी A50 सैमसंग का काफ़ी बेस्ट स्मार्टफोन रहा है, क्योंकि ये जो स्मार्टफोन है ना दोस्तों काफ़ी ज़्यादा अच्छे स्पेसिफिकेशन के साथ में आता है और काफ़ी अच्छे प्राइसिंग के साथ में भी आता है। तो इसके लिए आज इस वीडियो के अंदर मैं इन दोनों स्मार्टफोन्स के कंपेरिजन करने वाला हूँ। आप लोग इस वीडियो को पूरा देखते रहिए ताकि आप लोगों को ये बात पता चल सके कि आप लोगों के लिए इन दोनों स्मार्टफोन में से कौन सा ज़्यादा बेटर रहेगा। वीडियो स्टार्ट करते हैं दोनों ही फोनों के डिस्प्ले क्वालिटी के साथ में। नोकिया 8.1 के अंदर आप लोगों को 6.1 इंचेस की फुल HD प्लस रेजोल्यूशन वाली डिस्प्ले मिलती है, लेकिन ये एक IPS LCD पैनल है। और वहीं पर सैमसंग गैलेक्सी A50 के अंदर आप लोगों को 6.4 इंचेस की फुल HD प्लस रेजोल्यूशन वाली डिस्प्ले मिलती है, और ये एक सुपर एमोलेड पैनल है। ऑब्वियसली दोस्तों जो डिस्प्ले की क्वालिटी है ना सैमसंग गैलेक्सी A50 की अनकंपेरेबल है अगर आप नोकिया 8.1 से उसको देखते हैं। नोकिया 8.1 की भी डिस्प्ले बहुत ही ज़्यादा कमाल की है, लेकिन IPS पैनल का और एक एमोलेड पैनल का कोई कंपैरिजन ही नहीं बनता। और वहीं पर अगर आप लोगों को कॉम्पैक्ट साइज का स्मार्टफोन चाहिए तो आप लोग नोकिया 8.1 को कंसीडर कर सकते हो। और दोस्तों अभी इन दोनों ही फोनों के हम बिल्ड क्वालिटी के बारे में बात करते हैं। नोकिया के अंदर आप लोगों को बैक साइड में ग्लास बॉडी देखने को मिल जाएगा, और उसके साथ में आप लोगों को इसका जो फ्रेम है ना वो भी एक एल्यूमिनियम फ्रेम मिलता है, तो ये फोन काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम फील होता है और बहुत ही ज़्यादा ड्यूरेबल भी है। और वहीं पर अगर सैमसंग गैलेक्सी A50 के बारे में बात करें तो इसके अंदर आप लोगों को प्लास्टिक का एक यूनिबॉडी डिज़ाइन देखने को मिलता है। अगर आप लोग देखने लुक वाइज कंपेयर करते हो तो इन दोनों फोनों का जो डिज़ाइन है और जो लुक है ना बहुत ही ज़्यादा कमाल का दिखता है, बहुत ही ज़्यादा प्रीमियम भी दिखाई देता है। लेकिन सैमसंग गैलेक्सी A50 उतना ज़्यादा प्रीमियम फील नहीं होता हाथ के अंदर, ना ही वो फोन उतना ज़्यादा ड्यूरेबल है अगर आप उसको नोकिया 8.1 से कंपेयर करते हो तो बिल्ड और डिज़ाइन वाइज तो नोकिया 8.1 क्लियर विनर है। अब दोनों ही फोनों के कैमरा क्वालिटी के बारे में बात कर लेते हैं। अगर सैमसंग गैलेक्सी A50 के अंदर आपको बैक साइड में ट्रिपल रियर कैमरास मिलता है 25+8+5 मेगापिक्सल का, और आगे के साइड में आप लोग को एक 25 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा मिलता है। और वहीं पर नोकिया 8.1 के अंदर आप लोग को 12+13 मेगापिक्सल का डुअल रियर कैमरास मिलता है जैज ऑप्टिक्स के साथ में, और इसके फ्रंट साइड के अंदर आप लोग को 20 मेगापिक्सल का सेल्फी शूटर मिलता है। अगर आप लोगों को कोई ऐसा स्मार्टफोन चाहिए जिसके अंदर आप लोग को बहुत ही ज़्यादा कमाल का कैमरा देखने को मिल जाए तो आप दोनों ही फोनों में से कोई भी फोन कंसिडर कर सकते हो। ये दोनों ही फोनों के जो कैमरा क्वालिटी है ना बहुत ही ज़्यादा कमाल की है। लेकिन अगर आप लोगों को कोई ऐसा एक स्मार्टफोन चाहिए जिसके अंदर आप लोगों को अल्ट्रा वाइड एंगल का सेल्फी मिल सके तो आप लोगों को सैमसंग गैलेक्सी A50 के साथ में जाना चाहिए, क्योंकि इसके अंदर आप लोगों को ट्रिपल रियर कैमरास मिलता है और वाइड एंगल के लिए डेडिकेटेड कैमरा मिलता है 8 मेगापिक्सल का। और दोस्तों वहीं पे अगर आप लोगों को कोई ऐसा स्मार्टफोन चाहिए जिससे अगर आप लोगों की जो वीडियो क्वालिटी है ना वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी हो, यानी कि अगर आप लोगों को वीडियो शूट करना ज़्यादा पसंद हो तो आप लोगों को नोकिया 8.1 के साथ में जाना चाहिए, क्योंकि इसके अंदर OIS देखने को मिल जाता है यानी कि ऑप्टिकल इमेज स्टेबिलाइजेशन, जो कि सच में इस प्राइस रेंज के हिसाब से बहुत ही ज़्यादा बड़ी बात निकल कर आ जाती है। और अगर फ्रंट कैमरे के बारे में बात करूँ तो दोनों ही स्मार्टफोन बहुत ही ज़्यादा कमाल के परफॉर्म करते हैं, और इन दोनों में ज़्यादा फर्क आपको देखने को नहीं मिलेगा। और अब बात कर लेते हैं इन दोनों फोनों के परफॉर्मेंस के बारे में। सैमसंग के अंदर आप लोगों को एक्जोनोस का 9610 का चिपसेट देखने को मिल जाने वाला है, और वहीं पर नोकिया 8.1 के अंदर आप लोगों को स्नैपड्रैगन का 710 का चिपसेट देखने को मिलता है। और परफॉर्मेंस वाइज नोकिया का 8.1 है ना दोस्तों वो बहुत ही ज़्यादा आगे निकल कर चला जाता है अगर आप उसको सैमसंग के एक्जोनोस प्रोसेसर के साथ में कंपेयर करते हो। तो अगर आप लोगों के लिए कोई भी ऐसा स्मार्टफोन चाहिए जो कि गेमिंग के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा हो, काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस वाला स्मार्टफोन चाहिए तो आप लोगों को नोकिया 8.1 के साथ में जाना चाहिए। और अगर हम बैटरी के बारे में बात करें तो नोकिया 8.1 के अंदर आप लोगों को 3500 mAh की बैटरी मिल जाती है, USB Type-C का पोर्ट भी मिल जाता है, और एक 18W का फास्ट चार्जर बॉक्स के अंदर ही मिलता है। और वहीं पर सैमसंग गैलेक्सी A50 के बारे में बात करूँ तो उसके अंदर आप लोगों को 4000 mAh की बैटरी मिल जाती है, USB Type-C का पोर्ट इसमें भी आपको मिल जाएगा, और उसी के साथ में बॉक्स के अंदर आप लोगों को एक 15W का फास्ट चार्जर भी मिलता है। दोस्तों बैटरी बैकअप इन दोनों स्मार्टफोन का बहुत ही ज़्यादा कमाल का है। नोकिया की बैटरी भले 3500 mAh की, लेकिन जो नोकिया की बैटरी ऑप्टिमाइजेशन होती है ना वो बहुत ही ज़्यादा कमाल की होती है हर बार। ये दोनों ही फोन आप लोगों का एक दिन बहुत ही आराम से निकल कर दे देंगे। लेकिन थोड़ी सी बड़ी बैटरी होने की वजह से और सुपर एमोलेड डिस्प्ले होने की वजह से जो बैकअप आप लोगों को सैमसंग गैलेक्सी A50 से मिलता है ना वो थोड़ा सा ज़्यादा हो जाता है नोकिया 8.1 से। दोस्तों आप लोगों को इन दोनों स्मार्टफोन में से कौन सा स्मार्टफोन ज़्यादा पसंद आता है ये हम लोगों को कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। और अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छे